आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और सितंबर मंथली एग्जाम में अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सितंबर मंथली एग्जाम का क्लास 10th का मैथ का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम कल आपका 25 तारीख की छुट्टी रहेंगे। चाहे अगर आपके स्कूल में छुट्टी नहीं रहेंगे तो ये आपका मैथ का पेपर 25 के ही दिन हो जाएंगे, नहीं तो आपका 26 का इसका पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास आपका मैथ का 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मेरे पास 10th क्लास का मैथ का, इंग्लिश का, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियो इस पे चैनल पर आप उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पूरे मेरे पास मैथ का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जल्दी जल्दी से पूरे प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते हैं और साथ ही साथ पूरे प्रश्न का उत्तर क्या होता है वो मैं आपको उत्तर बताऊंगा और इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका इसी प्रकार से आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने आपको जितना भी पेपर दिया था सभी पेपर मैच कर गया था। उसी प्रकार से आपका यह मैथ का भी पेपर 100% आप यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पेपर नहीं मैच करेंगे तब आपको अनसब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका विषय कोड 110 रहने जा रहा है। उसके साथ साथ यह आपका 50 मार्क आपका एग्जाम देंगे, 30 आपको ऑब्जेक्टिव बनाए। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से प्रश्न की ओर चलिए, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देखिए सेक्शन ए में आप यहाँ पर देख पा रहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है, जिनमें से 1 से लेकर आपको 30 तक का प्रश्न दिया गया, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। लेकिन मैं अभी के इस वीडियो में पूरे 30 का आपको उत्तर बता देने जा रहा हूं, कब सभी प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, यहां पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमांक 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या है। तो बिल्कुल सही, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी अर्थात कि 9। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, cos 30° बराबर होते हैं तो किसके बराबर होते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे इसका मान पूछा गया है √3/2 का। यदि sin θ बराबर cos θ हो तो θ का मान पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही टिक करेंगे 45°। यदि 2a यहाँ पर देखिए 2a बराबर 2 sin a हो तो a बराबर, तो 4वां प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा 0θ हो जाएंगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर चलिए 5वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु 3.0 तथा 4.0 के बीच की दूरी, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे और इस प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर क्या निकलेंगे, बिल्कुल सही 5 इकाई निकल जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 6वां प्रश्न आपके, मूल बिंदु 2.21 अर्थात कि 21 और 20 की दूरी पूछा जा रहा है ना मूल बिंदु में, तो मूल बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 y1 π/2 हो जा रहा है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका उत्तर बिल्कुल निकला था ऑप्शन सी अर्थात कि 29 इकाई। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज ABC क्षेत्रफल में त्रिभुज DEF में क्षेत्रफल होगा तो किसके बराबर क्षेत्रफल होगा, तो बिल्कुल सही ये हो जाएगा AB² / DE² तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है आपसे, 2 समरूप त्रिभुज की अनुपात 4.9 हो और तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कितना, तो इसका 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बिल्कुल सही डी टिक करेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आप यहां पर देखिए 9वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE हो तो समबाहु त्रिभुज में किस प्रकार के BC का मध्य बिंदु D हो तो ABC का क्षेत्रफल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि 4:A। यदि 2 समकोण त्रिभुज ABC कोण ABC हो तो 90° AB² बराबर, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी टिक करेंगे AC² - BC²। त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा लंबाई 2a हो तो शीर्षक के आधार पर लंबाई होगी तो कितना हो जाएंगे, तो 3a √3a। चलिए पहले बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखिए 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, 27 cm³ आयतन वाले घन के किनारा की लंबाई होती है 3 cm, एक घन में प्रत्येक किनारा 5 मीटर का हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी 125 cm². यदि घनों की आयतन 2744 cm³ हो तो प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 196 हो जाता है cm². अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न देंगे आप 15 के, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे बच्चों आपको बता दें इसका PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे तैसे ही मैं आपके नंबर पर इसका PDF सेंड कर दूंगा। उसके साथ
साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो आपको ग्रुप सब ग्रुप में कैसे आपको मिलेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर भी, तो अभी मैं इंग्लिश का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, उसका भी पेपर मैं अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो जल्दी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। उसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए, किसी घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन है, बिल्कुल सही, इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने क्या क्या है, बहुलक होता है सर, बिल्कुल सही, बहुलक 3 × (-2) × (-) होता है। द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा है, तो द्विघात जिनका घात यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण, तो -2 × (-2)² + (-6) = 0 हो तो मूल्य इसका निकालेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो -2 (3/2) आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 4 तथा 5 के मूल वाले द्विघात समीकरण, तो 18 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे (x²) - (x-20) = 0। sin 53° और cos 33° ठीक है, sin 53° / cos 33° किनके बराबर होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपका ए के ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, sec 54° / cos 36° यानी कि 36° है, तो -tan 79° है और उसके बाद cot 11° का मान पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका वैल्यू पूछा जा रहा है, सीधे सीधे आपको 0° पर टिक मारेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 90 और ये भी 90 हो जाएंगे और 90 में से हम 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, तो 0 आ जाएंगे ना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि tan A = cot A तो ए बी होता है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, नोट करेंगे ऑप्शन सी अर्थात कि 90° बिंदु (x1, y1) तथा (x2, y2) के मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु की भुजा कितनी होती हैं, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर (x1 + y2) = 2। यदि दो बिंदु 1/2 और 0/0 तथा 1AB हो तो एक रैखिक हो तो 23वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे 2A - B। बिंदु 1, 3 तथा 4, 6 के मिलाने वाली रेखाखंड 2:1 की विभाजित करने वाली होती है तो नियतांक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 24वां प्रश्न का ऑप्शन बी अर्थात की 3/5। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आगे आपको मैट्रिक के फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही से टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से आप पूरे सेंटअप एग्जाम में अगर आप सम्मिलित हो जाएंगे आप क्लास 10th का, तो आपको बिल्कुल एग्जाम में क्लास 10th के मैथ के पेपर सॉल्व करते समय आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बल्कि आप वहां पर भी प्रश्न सॉल्व कर आ जाएंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। देखिए 0:12 और 0:05 हो तो शीर्ष की त्रिभुज की परिमिति पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे 13°। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 हो जाएंगे सिर्फ यहाँ पर। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा हो तो समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज होंगे, बिल्कुल सही, वह होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न, यदि त्रिभुज में आसान भुजाएं के माध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा को निर्मित चतुर्भुज को क्या कहते हैं सर, बिल्कुल सही, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR हो CA/RP 2:3 हो तो area/PQR और area ABC का पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कि 9:4। तो यहाँ पर कैसे होंगे, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 है तो बट्टा में किया जा रहा है, तो बट्टा में तो उल्टा कर लेंगे 3/2 कर देंगे इसका, तो 3 × 9 और 2 × 4, तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी इसका टिक हो जाएंगे करेंगे। चलिए अगला 29वां प्रश्न, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC = BC तथा AB² - 2AC² हो तो कोण A और कोण C का यानी कि कोण ACB का मान पूछा जा रहा है, इसका उत्तर टिक करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर 60°। यदि त्रिभुज ABC = समद्विबाहु त्रिभुज हो तो AB और AC का BC = हो तो को यदि त्रिभुज ABC 70° अर्थात कि 70° है और कोण 15° हो तो BAD का मान पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हम सॉल्यूशन करेंगे तो प्यारे साथियों इसका 13° निकल जाएंगे। इसी प्रकार से मैं आपका यहाँ पर देखिए आपका पूरे मैथ का क्लास 10th का जो आपका एग्जाम चाहे 25 सितंबर को हो चाहे आपका 26 सितंबर को हो, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों मैं मैथ का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया हूँ, क्योंकि कल के दिन आपके विद्यालय में 25 सितंबर के दिन आपका विद्यालय बंद रहेंगे पर्व के कारण, इसके लिए आपका नहीं तो आपका 26 का एग्जाम होगा। अगर आपका विद्यालय बंद
नहीं होंगे तो आपका 25 के ही आपका एग्जाम होगा और यही पेपर मैथ में सेम टू सेम आएंगे। अभी के नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपके लिए इंग्लिश का पेपर ला चुका हूं और उसके साथ साथ मैं जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर देने जा रहा हूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखेंगे और उसके साथ साथ ये पूरे प्रश्न आपका मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैंने चर्चा कर लिया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसका लाएंगे सब्जेक्टिव उत्तर। आपको कैसे PDF डाउनलोड करना है इसका मैं ऑलरेडी बता दिया, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से भी ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर आपको एक नंबर दिया गया था उसी नंबर पर नोट कर लेंगे और उस पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।